हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखो बीएससी पार्ट 3rd का आज जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है फ्लोएम। ओ स्वाहा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू अपने चल रहे हैं जटिल ऊतक, जिनमें अपन ने जाइलम या गुटपाल जाइलम के बारे में अपन ने जटिल ऊतक का पहला भाग था जाइलम। जाइलम मुख्य रूप से चार भागों में डिवाइड होता है, चार तत्वों से मिलकर बना होता है। उसकी संरचना कोशिकाओं के और उसके कार्य के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, और आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोएम। ये जटिल ऊतक का दूसरा भाग है। फ्लोएम या कोश का है। अब देखो फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम एक जटिल ऊतक है जो जाइलम के पास जैसे पादप के तने वाले भाग में, ये जाइलम के जस्ट पास में पाया जाता है। फ्लोएम भी ये जाइलम के जस्ट पास में पाया जाने वाला एक जटिल ऊतक है जो मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन निर्माण किया जाता है, भोजन बनाया जाता है, उसको पादप के सभी भागों तक परिवहन का कार्य किया जाता है। इसको कोशवाह है, पोषण का वहन करने वाला कोशवाह ऊतक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बिल्कुल जाइलम के जस्ट पास में ही फ्लोएम स्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के तहत बनाए गए अन्न के भोजन का पादप के विभिन्न भागों तक परिवहन करना होता है। और फ्लोएम का जो उत्पत्ति जो होती है वो प्रोकैम्बियम या वैस्कुलर एधा, समहन एधा, प्रोकैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम से होती है। तो इसकी फ्लोएम में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनकी संरचना कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसे जाइलम चार प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, तो उसी प्रकार से फ्लोएम भी चार प्रकार की कोशिकाओं से या चार प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें कई हैं चालीस तत्व, साइड एलिमेंट्स, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम मधुतक और फ्लोएम तंत्र। भाई कोशवाह में भी चार मुख्य तत्व पाए जाते हैं। नंबर एक तो है चालनी तंत्र, साइड एलिमेंट्स, दूसरा है सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं होती है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मधुतक। फ्लोएम तंतु और चौथा है फ्लोएम मधुतक। तो इन चार प्रकार के तत्वों से, चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम ऊतक बनता है। ये जटिल ऊतक का दूसरा भाग है, जिसमें चालीस तत्व, साइड एलिमेंट्स, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम
तो जाइलम भी चार प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता था, दोनों तत्व जाइलम तत्व जाइलम दो तत्व लगभग समान से थे और उसमें दो ये भाग संरचना के अंदर अलग थे और इनमें ये चारों भागों की संरचना कार्य के बारे में हम अपने देखते हैं कि संरचना और कार्य। अब इसमें एक बात उसके संरचना के बारे में देखते हैं, जाइलम उत्तक की भांति फ्लोएम भी एक जटिल उत्तक है। ठीक है भाई, जाइलम उत्तक की भांति फ्लोएम भी क्या है, जटिल उत्तक है और यह मुख्य रूप से फ्लोएम पत्तियों में संश्लेषित है। यह पत्तियों से संश्लेषित भोज्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक परिवहन करता है। ठीक है कि जाइलम उत्तक की भांति फ्लोएम भी जटिल उत्तक है और यह मुख्य रूप से पत्तियों से निर्मित खाद्य पदार्थ संश्लेषित होता है, उस खाद्य पदार्थ को पादप के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, फ्लोएम में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो भी ये हमने नाम लिखा है, चालीस तत्व सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम भूतक और फ्लोएम तंतु, ये चारों प्रकार की कोशिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं जिनके संरचना और कार्य भिन्न होते हैं, जिनके संरचना एवं कार्य भिन्न होते हैं। भाई संरचना और कार्य अलग अलग होते क्योंकि अलग अलग भागों द्वारा अलग कार्य अलग इनकी संरचना होती है, परंतु इनकी उत्पत्ति एक ही होती है, परंतु इनकी उत्पत्ति एक ही होती है। इसमें यह भी एक विषमांगी उत्तक है, भाई जाइलम की तरह यह भी एक विषमांगी उत्तक है क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचना और कार्य तो अलग अलग होते हैं परंतु उनकी उत्पत्ति समान होती है, इसलिए ये विषमांगी उत्तक कहलाता है। यह तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फ्लोएम के, जाइलम की भांति फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल उत्तक है और यह मुख्य रूप से पत्तियों से निर्मित खाद्य संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक परिवहन का कार्य करता है। जबकि जाइलम का क्या कार्य था कि जड़ों से अवशोषित खनिज लवण और जल को पौधे के विभिन्न भागों तक परिवहन करना। फ्लोएम में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें हमने चार प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताया था, चालने तत्व सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम उद्गुतक और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनकी संरचना और कार्य तो अलग अलग होते हैं परंतु उनकी उत्पत्ति एक ही होती है, इसलिए ये भी एक विषमांगी उत्तक है। फ्लोएम में क्या है विषमांगी उत्तक है क्योंकि इसमें उसकी विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, उनकी संरचना और कार्य तो अलग है परंतु उनकी उत्पत्ति क्या होती है समान होती है। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति एवं वितरण। फ्लोएम की उत्पत्ति
और वितरण कहाँ होता है, डिवाइड होता है, बताता है कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। फ्लोएम की उत्पत्ति एवं वितरण। अब देखो जो फ्लोएम है, फ्लोएम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम से होती है। फ्लोएम की उत्पत्ति प्राकेधा, हमने बोलते इसको प्राकेधा प्रोकैम्बियम, इंग्लिश में नाम है इसका प्रोकैम्बियम, प्राकेधा एवं संहनेधा वैस्कुलर कैम्बियम, संहनेधा और समहन एधा से होती है। प्रोकैम्बियम एवं वैस्कुलर कैम्बियम से फ्लोएम की उत्पत्ति होती है और ये भी चाहने के साथ ही यह जाइलम के साथ ही या जाइलम के नजदीक ही पाया जाता है, जाइलम के नजदीक ही पाया जाता है। कि ये जो पौधे में तने में जिसकी स्थिति होती है वो बिल्कुल जाइलम के जस्ट इसके पास में नलिका का संरचना होती है और ये जाइलम के बिल्कुल पास इसके साथ में भी ये स्थित होता है। और आवर्तविजी मूल में फ्लोएम एक अलग समूह में होता है, आवर्तविजी मूल में, आवर्तविजी मूल में फ्लोएम अलग स्थित होता है। भाई जाइलम वैसे तो जाइलम के पास ही पाया जाता है, परंतु आवक बीज जो मूल होती है उस आवक बीज मूल में ये अलग समूह में होता है, अलग स्थित होता है, जबकि तने में जाइलम के साथ संपर्क से के, जबकि तने में जाइलम के साथ बिल्कुल तना है उसे तने में ये जाइलम के साथ समपार्श्विक संहनन गुण बनाता है, समपार्श्विक संहनन गुण बनाता है। भाई आवर्तविजी जो मूल होती है उनमें तो फ्लोएम अलग से स्थित होता है, अलग से बंडल बनाता है, बाकी तने में ये जाइलम के साथ संहनन कोलेक्टर संहनन कोण बनाता है। फ्लोएम तने के बाहर की ओर होता है, फ्लोएम तने में बाहर की ओर होता है। भाई इसमें जाइलम अंदर की ओर, इसे ये तना है, इसमें जाइलम अंदर की ओर, फ्लोएम बाहर की ओर, ये तो फ्लोएम और ये जाइलम, जाइलम तो अंदर की ओर होता है, फ्लोएम क्या करेगा तने में बाहर की ओर स्थित होता है। अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में, संरचना में मुख्य रूप से इसके चार घटक पाए जाते हैं। ये तो इसकी उत्पत्ति और वितरण था, कि ध्यान रखना फ्लोएम की उत्पत्ति किससे होती है, प्रोकैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, प्राकेधा और समहन एधा से फ्लोएम की उत्पत्ति होती है।
स्थिति है, स्थिति कहाँ होता है, ये जाइलम के साथ या जाइलम के नजदीक ही पाया जाता है, पर कुछ आवक में फ्लोएम अलग से स्थित होता है, जबकि तने में ये जाइलम के साथ ही समपार्श्विक समूह को समपार्श्विक समूह एक साथ जुड़े हुए समपार्श्विक समूह पलटर वैस्कुलर बंडल का निर्माण करता है और फ्लोएम तने में बाहर की ओर स्थित होता है, जाइलम अंदर की ओर और फ्लोएम तने में बाहर की ओर स्थित होते हैं। अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। अभी मैंने बताया था कि फ्लोएम की जो संरचना है जाइलम नाम की इसकी संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम की संरचना के बारे में मैंने बताया था कि चार प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, चालनी तत्व, सह एलिमेंट्स, दूसरा है सहचारी कोशिकाएं, सहचर उसका कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम तंतु, चौथा है फ्लोएम मृद तंतु। ये चार भागों से मिलके और फ्लोएम कोशवाहक तक निर्मित होता है, चार प्रकार के तत्वों से मिलके फ्लोएम तक है, इसमें चालने का साइड एलिमेंट्स, सहचर कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम एलिमेंट्स और फ्लोएम उद्गक फ्लोएम पेरेंटाइमा, ये चार प्रकार के एलिमेंट्स हैं, चार प्रकार के तत्व हैं जिनसे मिलकर फ्लोएम बनता है, फ्लोएम का निर्माण ये उसके मुख्य घटक है। अब इसमें एक एक प्रकार से हम देख लेते हैं कि पृथ्वी जिसमें प्रथम तीन प्रकार की जो कोशिकाएं वो अक्षेत्र बनाती है, जो मृदु तक परिय तंत्र का निर्माण करता है। तो ये तीन भाग हैं, प्रथम तो तीन भाग हैं, ये तो अक्षीय तंत्र का निर्माण करते हैं, ये तो करते हैं अक्षीय तंत्र का निर्माण और फ्लोएम में मृदु तक होता है, फ्लोएम मृदु तक ये परिय तंत्र का निर्माण करता है, और ये तंत्र का निर्माण करता है। ध्यान रखना प्रथम तीन तत्व हैं चालनी तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, ये तीनों भाग मिलकर आर्य तंत्र का निर्माण करते हैं, जबकि फ्लोएम मृदु तक होता है ये अक्षय तंतु, अक्षय तंतु का ये निर्माण करेगा आर्य तंत्र, ये आर्य तंत्र का निर्माण करते हैं और ये विभेदन जाइलम के माध्यम से नहीं होता। अनावक बीजी प्रोटोफ्लोएम में चालनी तत्व नहीं होते और अनेक आवक बीजी पादपों की आदि कोशिकाओं में चालनी कोशिकाएं तो स्पष्ट होती है परंतु सहचर कोशिकाएं नहीं होती। अब इसमें हम एक एक के बारे में देखते हैं। पहला नंबर है सेल एलिमेंट्स चालनी तत्व। इनकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। नंबर एक है सेल एलिमेंट, चालनी तत्व है, दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनती है, इसमें नंबर एक है चालनी नलिका
मुकम्मल और चावली कोशिका। चावली तत्व जो है दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनाते हैं, चावली नलिका और चावली कोशिका। अब चावली तत्व इसके लिए काम है क्योंकि इसमें चावली जैसे जो चावली होते हैं उसमें छिद्र होते हैं, इसकी कोशिकाओं में छिद्र जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। इसकी संरचना के बारे में आगे डिटेल से बताएंगे कि सहायक प्लेट्स होती है संचार कंपोनेंट सेल्स, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में होती हैं। इनमें दोनों कोशिकाओं के बीच में कंपोनेंट सेल्स होती है इस तरह से। ये चावली तत्व है, ये चावली नलिका एवं सहचर कोशिका। तो ये चावली नलिका और सहचर कोशिकाएं कंबाइन रूप में इस तरह से स्थित होती हैं, ये तो कहलाते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स सहचर कोशिकाएं कहलाती हैं, ये तो बीच वाले जो भाग है उन दोनों चावली नलिकाओं के चावली तत्वों के बीच में स्थित होती है। ये होती है सहायक प्लेट्स। तो इस प्रकार से कंपेनियन सेल्स होती है इन दोनों चावली तत्वों के बीच में, ये चावली प्लेट्स होती हैं। ये सेवन प्लेट्स चावली नलिका और चावली कोशिकाएं दो प्रकार से चावली तत्व मिलकर बने होते हैं। इन चावली तत्वों से सेवन जो प्लेट्स होती हैं ये अंदर से मोटी होती हैं और इनका जो मुख्य कार्य है चावली तत्वों का वो भोजन का संग्रहण करना होता है। चावली तत्व दो प्रकार के तत्व से व्यवस्थित होने से बनती हैं।
जो चावली कोशिकाएं होती हैं, चावली नलिकाएं, वो एक के ऊपर एक नलिका, चावली नलिकाएं होती हैं, एक ऊपर एक व्यवस्थित होने से, स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित होने से ये चावली नलिकाएं बनती हैं। और चावली नलिकाएं की जो कोशिकाएं होती हैं वो देखें तो बेलनाकार होती हैं। चावली नलिकाएं जो होती हैं ये चावली नलिकाएं की कोशिकाएं जो होती हैं दीर्घित, उसकी कोशिकाएं दीर्घित एवं बेलनाकार, इस तरह से बेलन से बेलनाकार होती हैं। ठीक है, चालने नलिका की जो कोशिकाएं ऊपर एडजस्ट होने से बनती है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो दीर्घित एवं बेलनाकार होती है, परंतु इनकी लंबाई विभिन्न पादपों में अलग अलग होती है, परंतु इनकी लंबाई विभिन्न पादपों में अलग अलग होती है। कई पादपों में अलग अलग पादपों में उनकी लंबाई अलग अलग होती है, जैसे कि जो शंकु पादप होते हैं, शंकु वृक्षों में चावली कोशिकाओं की लंबाई लगभग, शंकु पादप जो होते हैं, शंकु पादप में चावली नलिकाओं की जो लंबाई है वो लगभग 1400 से 4800 माइक्रोमीटर, 1400 से 4800 माइक्रोमीटर तक होती है, जो एक बहुत ही लंबी है। जबकि पादपों में अधिकतर पादपों में इसकी लंबाई बहुत कम होती है, परंतु शंकु जो पादप होते हैं, शंकु पादप होते हैं जो अन्य प्रदेशों से आवास में पाए जाने वाले होते हैं, उनमें उनकी लंबाई अधिक होती है। अब देखो चालने को चावली कोशिका, अब यह तो होती है चावली नलिका, तो होती है एक ऊपर एक एडजस्ट होने से होती है, क्योंकि जो चावली कोशिका है एक वो सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल होती है। ठीक है, एक क्या है एकल कोशिका, ये सेपरेट कोशिका होती है, सिंगल सेल होती है, और इनमें ये चावली क्षेत्र की सभी व्यक्तियों को समान रूप से विकसित होती है, इन्होंने चावली पट्टिका नहीं पाई जाती, जैसे चावली पट्टिका जो होती है सायरल प्लेट्स, सायरल चावली प्लेट, ये चावली पट्टिका नहीं होती है, और ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से विभाजित होती है। तो ये तो होती है अपनी चावली नलिका और चावली कोशिका। भाई चावली नलिका जो होती है ये आवर्त बीजी पादपों में पाई जाती है, और चावली कोशिका अनावर्त बीजी और टेलिडोफाइटा दोनों पादपों में पाई जाती है। चावली नलिका होती है ये तो किसमें पाई जाती है, एंज आवर्त बीजी में, आवर्त बीजी में पाई जाएगी, जबकि जो चावली कोशिका, चावली कोशिका होती है ये चावली कोशिका टेलिडोफाइटा और अनावर्त बीजी में पाई जाएगी। चावली नलिका होती है ये एक ऊपर एक कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जबकि चावली कोशिका जो होती है इन दोनों का अपन जैसे डिफरेंस देखें, चावली कोशिका होती है वो सिंगल सेल होती है, एकल एकल कोशिका होती है। चावली क्षेत्र चावली तत्वों के सिरों पर होते हैं, चावली जो क्षेत्र है जिससे चावली में ये चावली तत्व इसके सिरों पर स्थित होते हैं, जबकि ये इसके मध्य में पाए जाते हैं। चावली क्षेत्र स्पष्ट होते हैं, जबकि चावली कोशिका में चावली जो क्षेत्र है वो स्पष्ट नहीं होते, और इनका जो मुख्य कार्य होता है चावली तत्वों का, वो चावली तत्वों का मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है भोजन का संग्रहण करना। ये इनका मुख्य कार्य है, चावली तत्वों का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का संग्रहण करना। तो ये तो इनकी संरचना कि भाई चावली फ्लोएम ऊतक की संरचना और कार्य के बारे में हम देख रहे हैं। तो आज इसमें अपना एक
तत्व की संरचना के बारे में उन्होंने लिखा है, चारों तत्वों की संरचना। आगे नेक्स्ट जो भाग है स्ट्रक्चर और अन्य भाग जो है उनको अपन अगले वीडियो में देखेंगे, अगले भाग में अगले वीडियो में जन्म। ओके।